कुपवाड़ा से जो है वो एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने जो है वो ऑनलाइन गेमिंग खेलने के चक्कर में 28 लाख रुपए का नुकसान जो है वो अपना कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि हर दिन जो है वो ये खबरें आती हैं, और आप भी जानते हैं कि आजकल जो है वो ऑनलाइन गेमें जो है वो काफी ज्यादा है, और कई बार लोग जो है वो अपने घरवा जो है वो तबाह कर चुके हैं, और कई लोग जो है वो अपनी जिंदगी भी दावे लगा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ही मामला जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से निकल के आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति ने जो है वो ऑनलाइन गेमें खेली जिसमें लगभग 28 लाख रुपया उस व्यक्ति ने खो दिया। और अब जो है वो उसने फैसला किया है कि वो अपनी किडनी बेचेगा और लोगों का जो उधार उसने लिया हुआ है वो उधार लोगों का चुकाएगा। मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है वो काफी ज्यादा ऑनलाइन गेमें जो है वो चल रही है, बहुत सारे बच्चे जो है वो उसमें पैसे लगा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो है वो शॉर्टकट अमीर बनने के चक्कर में जो है वो ऑनलाइन गेम्स खेली और लगभग हजारों नहीं लाखों रुपए, मैं फिर से आपको बता दूं कि 28 लाख रुपया ऑनलाइन गेम में उस व्यक्ति ने हरा दिया। और जैसे ही ये व्यक्ति हारता था तो लोगों से जो है वो पैसे उधार लेता था, कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे जो है वो लेता था, जिसके बाद 28 लाख रुपया उस व्यक्ति ने हार दिया और अब लोग जो है वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। और वो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान है और उसने अब ये फैसला किया है कि लोगों के पैसे जो है वो अपनी किडनी बेचकर वो पैसे जो है वो चुकाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। और उस व्यक्ति ने जो है वो लगभग 28 लाख रुपया इसलिए खो दिया क्योंकि वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लाखों रुपए जो है वो लोगों से कर्ज चुकाया लिया हुआ था, और वो कर्ज चुकाने के लिए अब इस व्यक्ति ने फैसला किया है कि वो अपनी किडनी बेचेगा और तब जाके लोगों के पैसे जो है वो चुकाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और एप्स काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो ऑनलाइन एप्स हैं जिसके माध्यम से जो है वो आप घर बैठे ही गेम्स वगैरह जो है वो खेल सकते हैं। कुछ पैसे जो है वो उसमें लगाने होते हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी होता है और कुछ लोगों को जो है वो उसमें नुकसान भी होता है। बहुत सारी गेमें आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किसी का करोड़ रुपया निकल गया और किसी का 1.5 करोड़ रुपया निकल गया, लेकिन वो ऐसी गेम्स रहती हैं जिसमें 49 या 59 रुपीज जो है वो लगाते हैं और उसमें जो है वो कुछ लोग पैसे भी जीतते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो लाखों लोग हारते हैं और उनमें से एक या दो व्यक्ति ही जीतते हैं। लेकिन बहुत सारी किस्मत की वो बात है, लेकिन इतना उसमें जोखिम नहीं है क्योंकि उसमें 49 या 59 रुपीज ही लगते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जो गेमें हैं उसमें लाखों रुपए आप दाव पे लगाते हैं और एक ही दिन में व्यक्ति ने जो है वो लगभग 28 लाख रुपया हरवा दिया। और जिन लोगों से उसने कर्ज वगैरह मांगा हुआ था, बहानेबाजी करके जो है वो कुछ कर्ज लिया था, उसके बाद लोग जो है वो उनसे कर्ज वगैरह वापस जो है वो अपना पैसा मांग रहे हैं, और उस व्यक्ति ने अब जो है वो फैसला किया है कि वो अपनी किडनी बेचेगा जिसके बाद लोगों का कर्ज चुकाएगा। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, और अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें कि बच्चे जो है वो किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़ जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहे रैसी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।